जली अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। मित्रों, दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण से आप सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा मैं सुप्रीम कोर्ट में भी था और फिर अभी बनारस पहुंच गया हूं, क्योंकि पत्नी का इलाज कराना है DHU में, इसलिए मैं यहां आया हूं। आपकी लड़ाई भी लड़ रहा हूं, अपने भी सारे कामों को इसमें निपटा रहा हूं। और साथियों, यह मैं संदेश यहां से क्यों दे रहा हूं, बस इसका एकमात्र मकसद है कि आज जिस तरीके से उहापोह की स्थिति पूरे राज्य के अंदर में बन गई है कि आखिर क्या करें नहीं करें, परीक्षा दें नहीं दें, जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो तो अरे हुए हैं कि हम नहीं भरे तो नहीं भरे, लेकिन जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। मेरे साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं आपको, शिक्षक समाज है बटा हुआ, इन टुकड़ों टुकड़ों को सीना है, देखें देता है कौन लहू दे सकता कौन पसीना है। आज आपको कौन खून दे सकता है और कौन पसीना दे सकता है, इसकी पहचान की बारी है, आपको साबित करना होगा। आप बार बार सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, अपने को बड़ा लंबा लंबा फेंकते रहते हैं, तो आज साबित भी करना होगा कि आप कितने बड़े पुरुषार्थी हैं। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि सती बने के मन करैया, आग में जरे से डर लगैया। ऐसे नहीं होता है, सती बनने का अगर मन है तो आग में जलना ही पड़ेगा, बिना आग में जले हुए आप सती नहीं बन सकते। आज आपको अपने को साबित करना होगा, आपको पुरुषार्थ सिद्ध करने की बारी है। जब शिक्षक एकता मंच ने आह्वान किया है कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे तो नहीं देना है, अगर किसी कारण से बहलावे में फुसलावे में दबाव में झांसा में आकर फॉर्म भर दिए, आज एडमिट कार्ड में फाड़ देना है, आग लगा देना है तो लगा देना है, तो लगा देना है। आज आपको साबित करना पड़ेगा कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, एक बात पूछूं तुमसे क्या दोगे उत्तर, तेल फुलेल और कंघी क्रीम से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। आज आपको बताना पड़ेगा कि ये आप स्नो पाउडर मार के नकली योद्धा बनते हैं कि असली योद्धा है, इसका परिचय इसी में हो जाएगा। हम लोग बच्चों को संस्कृत में पढ़ाते हैं कि जथा चतुर्भि कनकः परीक्षते निहर्षं छेदन ताप ताड़नै, तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार से सोना को आग में तपाकर पीटकर छेदकर उसकी परीक्षा होती है, उसी प्रकार से पुरुषार्थी व्यक्ति की परीक्षा संघर्ष में होती है। आपके पुरुषार्थ की परीक्षा का यह समय है, इसी में पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े योद्धा हैं और कितने बड़े लड़ाका हैं। इसलिए आप सभी साथियों को आप आज बताना पड़ेगा कि आप नकली योद्धा हैं कि असली योद्धा हैं। संस्कृत का एक और श्लोक है कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल भी काला होता है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल और कौवा में भेद तब पता चलता है जब बसंत ऋतु आता है, उसकी बोली से उसके काम से पता चल जाता है। इसलिए अभी आपके प्रसाद की परीक्षा है, इसलिए सभी लोग शिक्षक एकता मंच के साथ आप लोग डटे रहिए और सारे लोग अपने एडमिट कार्ड में आग लगा दीजिए। यह सक्षमता परीक्षा नाजायज है, गैर कानूनी है, शिक्षकों को जलील करने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम लोग इस परीक्षा का विरोध करते हैं और इस परीक्षा का विरोध जारी रहना चाहिए। और हम लोगों की जो मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा वह सरकार दे। आपको बेघर करने की साजिश चल रही है, जिन लोगों के अपने घर नहीं होते, मैं बार बार कहता हूँ, जिनके अपने परिवार नहीं है, जिनके अपने बच्चे नहीं है, वह दूसरे की खुशहाली देख नहीं सकता है। हम नौकरी करने के लिए आए हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, या अपने परिवार के उजरे चमन के नींव पर हम अपनी नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। हम कोई गुलाम नहीं है, ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। माकूल वक्त है, अभी अगर आप लोग पीछे हट गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आपकी चिंता में मुझे नींद नहीं आती है, आप फॉर्म भरने वाले लोगों को नींद कैसे आ रही है। आप याद रखिएगा, अगर आपने परीक्षा दी हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, सोसाइटी कुछ नहीं बोलेगा, आपका जमीन आपको ललकारेगा धिक्कारेगा और बार बार कहेगा कि तुम कायर हो। और जान लीजिए, काजल से भी काला कलंक होता है। यह जो कलंक आपके जीवन में लगेगा यह कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए इस कलंक को मिटाइए और सभी साथी एकजुटता का परिचय दीजिए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ शिक्षक समाज को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग आज के आंदोलन को सफल बनाइए, डटे रहिए, जब डट गए बांध कर सर में कफन, जब चल दिया तो चल दिया। जय हिंद जय भारत। तमाम शिक्षक बंधुओं को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन वादन एवं प्रणाम। साथियों, बिहार में शिक्षकों की लड़ाई को बिहार शिक्षक एकता मंच ने बड़ी ही मजबूती से आगे बढ़ा रही है, आप सब अवगत है। और आज आपातकालीन हम लोगों ने बैठक भी निर्धारित किया था, मैं इस बैठक का जो हम लोगों ने संयुक्त निर्णय लिया है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ।
कि आपकी लड़ाई जिस तरह सरकार ठग रही है, जिस तरह डिप्टी सीएम ने 15 तारीख को शिक्षक संगठनों से बातचीत किया था और उन्होंने कहा था 2 दिनों के अंदर शिक्षकों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा, लेकिन जिस तरह ठगा गया है शिक्षक, शिक्षक चुप रहने वाला नहीं है और बिहार शिक्षक एकता मंच जो है आपकी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने हेतु हर तरह की रणनीति तैयार करने के लिए एकजुट है, एक साथ है। इसलिए साथियों, आपको कहना चाहते हैं वैसे साथियों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का विरोध जारी रखा है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। वह बिहार के शिक्षकों की लड़ाई को सशक्त और मजबूत किया है, वह तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। साथ ही हम वैसे साथियों से कहना चाहेंगे जिन्होंने किसी बहकावे में किसी रूप में सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर दिया है और आप अवगत भी हैं कि सरकार के विभाग के अधिकारियों ने, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बात कहा करता था जब आप आंदोलन में थे, कहा करता था कि 2 ऑफलाइन परीक्षाएं होगी, कहा करता था कि आपका सिलेबस कमजोर होगा, साथ ही यह भी कहा करता था कि आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, साथ ही कहा था सेवा से कोई नहीं हटेंगे। आज तक कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं की गई है और जो कल सदन में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो तो पूरे का पूरे स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको इस परीक्षा के जंजाल में फंसा के उनकी जो अंदर नीति थी, अंदर छुपी हुई बीमारी थी और शिक्षकों को तबाह करने की षड्यंत्र थी, वो खुलासा कर सदन में हो गया। आज अखबार में सब लोग पढ़े होंगे, उन्होंने कहा रिक्ति के आधार पर ही शिक्षकों को जिला आवंटित होगा। तो आप ही सोचिए, जो वैसे कहा करते थे घर नहीं छोड़ेंगे, नया पदस्थापन नहीं होगा, आज कहता है कि जिला मिलना भी संभव नहीं है, 3 जिला भी मिलना संभव नहीं है, रिक्ति नहीं है, आपको जिला तीनों जिला से बाहर यानी अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पर। इसलिए उनकी असली चेहरा अब जाहिर हो गया है। शिक्षक साथी आप भ्रमित थे, आज हम आप तमाम साथियों को भ्रम टूटना चाहिए और हम लोग तो पहले से ही कहते थे कि आप इस भ्रम जाल में नहीं पड़िए। हम सक्षमता परीक्षा का आज विरोध कर रहे हैं, पहले भी विरोध करते थे, इसलिए बिहार में भारी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। आप अगर आवेदन किए हैं तो आपके सुरक्षा में आपकी सेवा सुविधाओं को बिल्कुल सुरक्षित रखने हेतु आप सही तरीकाओं से अपनी सेवा दें, आप अपने पदस्थापन पर सही तरीकाओं से अवस्थित रहें इस मुद्दे पर। और सरकार जो डरा धमका रही है इस मुद्दे पर हम लोगों ने आज वैसे साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आज आप देख ही रहे हैं विभिन्न स्रोतों से कि शिक्षक आवेदन कर दिया, एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं और सरकार के षड्यंत्र को जब वह देख लिए हैं कि हमें गुमराह किया है तो एडमिट कार्ड जला रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी तय किया है, अपने साथियों को कहना चाहते हैं कि कल 25 तारीख रविवार को सभी जिलाओं में जिस तरह शिक्षक लगातार अपने एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक एकता मंच ने भी निर्णय लिया है कि रविवार 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक अपने एडमिट कार्ड को सामूहिक रूप से जलाएंगे और सरकार के सक्षमता परीक्षा का जो नीति है उसका विरोध करेंगे। साथ ही साथियों आपसे हम कहना चाहेंगे कि 26 तारीख से जो सक्षमता परीक्षा प्रारंभ हो रही है उसमें नहीं जाना है, उसका पूर्ण बहिष्कार करना है। सरकार की टेबल कुर्सी लगी रह जाएगी, शिक्षक नहीं जाएंगे, उसका माउस और कंप्यूटर धरा ही रह जाएगा, आपको परीक्षा में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है 48 घंटा का कि आप सक्षमता परीक्षा को अविलंब रद्द करिए, स्थगित करिए। साथ ही बिना शर्त, कोई बहाना नहीं, बिना शर्त आप मुझे राजकर्मी का दर्जा दीजिए। जिन शिक्षकों को जहां जाना हो वहां उन्हें एक ठीक स्थानांतरण दीजिए और जो ड्रामा कर रहे हैं डराने का, 6 दिन का वेतन काटने का या तरह तरह का, वो सारे कार्रवाई को आप बिना शर्त वापिस लीजिए। साथ ही अवकाश तालिका में जो त्रुटियां हैं, अवकाश जो समाप्त कर दिए गए हैं, हमारे अवकाश तालिका विद्यालय का जो छुट्टी का है उसको सुधार करिए, ये तमाम जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करिए। नहीं करिएगा तो 48 घंटा का आप सरकार को अल्टीमेटम देती है बिहार शिक्षक एकता मंच कि हम बड़ा से बड़ा, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐलान करेंगे और जंगे मैदान तैयार करेंगे। बिहार के शिक्षकों में उबाल है, शिक्षक अभी भी लड़कर
अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इसलिए बिहार शिक्षक एकता मंच यह बड़ा फैसला लिया है। इसलिए शिक्षक साथियों, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आप इधर उधर नहीं जाके बिहार शिक्षक एकता मंच के निर्णय के साथ रहें। अगर परीक्षा में आवेदन कर दिए हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे, कल एडमिट कार्ड जलाइए, परसों से जो परीक्षा हो रही है 26 से उसका बहिष्कार करिए, कोई परीक्षा हॉल नहीं जाइए। साथ ही जो हमारे शिक्षक आवेदन नहीं किए वो तो बिल्कुल बहादुर हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। आपके सुरक्षा के लिए, आपके उचित मांगों के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच बड़ी ही मजबूती से एकजुट है, एक साथ है। साथ ही हम लोगों ने आज तय किया है कि कुछ ऐसे भी साथी हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच तय करती है कि अगर किसी संगठन के नेतृत्व पर अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो ऐसे अधिकारियों को, संघीय पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को संगठन अपने स्तर से उसको अपने संगठन से पदच्युत करेंगे, निलंबित करेंगे, पद से हटाएंगे। साथ ही बिहार शिक्षक एकता मंच का कोई घटक संघ कि अगर नेतृत्व अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो वैसे हम अधिकारियों को भी, वैसे संघीय पदाधिकारियों को भी बताना चाहते हैं, वैसे शिक्षक प्रतिनिधि नेतृत्व नहीं करेगा। और खास करके शिक्षकों को भी कहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को पहचानिए कि जब आपकी माकुल लड़ाई होगी, जब आपकी मजबूत लड़ाई होगी, जब सरकार आपसे भयभीत होगा, सरकार बैकफुट पर होगा, तो ऐसे गद्दार लोग जो है बिहार के शिक्षकों को कमजोर करने के लिए ऐसी षड्यंत्र करती है। इसलिए शिक्षक साथियों, आप हम कहना चाहेंगे कि बिना चूक, बिना भय से आप इस शिक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाइए। परीक्षा नहीं देना है, एडमिट कार्ड अगर आप प्राप्त कर लिए हैं उनको जलाना है कि सरकार के कान में आपके आंदोलन का संदेश जाए और गूंगी बहरी सरकार, ठग की सरकार जो शिक्षकों को गुमराह किया, आंदोलन को गुमराह किया, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि शिक्षक गुमराह होने वाला नहीं है। शिक्षक अपने हक के लिए, अपने उचित निर्णय लेने के लिए तैयार है, हर तरह का हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए साथी, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुँचाने हेतु बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ आप जुड़े रहें, उसके निर्णय को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग दें। धन्यवाद।